हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम रविकांत। आज मैं फिर नए 10 शब्द के साथ हूं और इसे हम इमेज और फनी ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। तो आज का पहला वर्ड है एमोर्फस। एमोर्फस मींस क्या होता है? शेपलेस, जिसका कोई आकार नहीं है। लाइक आप इस पिक्चर देख सकते हैं, क्या है ये? एमोर्फस है। एसिनम्स क्या क्या होते हैं? फॉर्मलेस, नेबुलस, वैग, अनस्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से आप याद रख लेंगे। एम्पुटेट, एम्पुटेट क्या होता है? बेसिकली कटना, कट ऑफ। आप इस इमेज में देख सकते हैं आप किस तरह से ये कटे हाथ को ड्रा जा रहा है इसमें। तो इसको बेसिकली मेटल टर्म में इसको यूज किया जाता है और इसे क्या बोलते हैं? एम्पुटेशन रिपेयर्ड भी बोलते हैं, जिसे आप देख सकते हैं यहां पे। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या होता है? सेवर। एमुलेट, एमुलेट मीन्स क्या होता है? ताबीज। ये रहा आपका ताबीज। बच्चों में मम्मी बहुत ज्यादा पहना करती थी, बच्चों को पहनाती है ताकि जो है बुरी बला से बचे। ठीक है, आपने ही पहना होगा या पहनाया होगा किसी, आपने किसी रिश्तेदार घर में देखा हो पहने हुए। ठीक है, स्मॉल ज्वेलरी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इविल्स। इसके सिम्बल्स क्या क्या होते हैं? तलिश्मान, लकी चार्म, गुड लक चार्म, जूजू। जूजू बेसिकली एक प्रकार का ताबीज ही होता है जो कि लोग पहनते हैं ताकि भूत पिशाच निकट नहीं आए। नेक्स्ट वर्ड है एनेकोर्निज्म। एनेकोर्निज्म होता है मिस्टेक। कहां पे? कुछ हिस्ट्री की जब बात करते हैं, कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें कहीं ना कोई डेट में या टाइम में कुछ गलती होती है। आप यहां पे इमेज में देख सकते हैं कि क्या मिस्टेक है। अब ये लेडी जो है, क्या है ये? इसे आप देख के समझ सकते हैं कि ये लेडी काफी पहले जमाने की है, पुराने जमाने की बिलोंग करती हैं। पर इनके हाथ में क्या है? टैबलेट। जो टैब है अब वो क्या है? ये नए जमाने का, मॉडर्न जमाने, 21st century का बिलोंग करता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए क्या है ये? दिस इज मिस्टेक, दिस इज मिसप्लेस्ड। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? रिलिक, सर्वाइवल, लेफ्ट ओवर, आर्केइज्म। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट को आप ऐसे याद रख लो, एनार अनार ज्यादा खाने वाला एनार्किस्ट होता है, मतलब कि क्रांतिकारी होता है। क्या होता है? क्रांतिकारी होता है। अगर बात करूं यहां पे तो गांधी जी ने भी एनार्किस्ट के बारे में कहा था, जो हमारे इंडियन देश आजाद होने के पहले जो ब्रिटेन में रह रहे थे उनके बारे में बताई गई हैं बातें। ठीक है, कि वो लोग क्या है? एनार्किस्ट हैं, अच्छे हैं, लेकिन गांधी साहब से क्या थे कि वो वायलेंस को छोड़कर नॉन वायलेंस कर लें। ठीक है, पर हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना सोच होता है जिसके थ्रू वो अपना काम या अपना गोल को अचीव करने की कोशिश करता है। तो आप देख सकते हैं कि अब किस तरह से यहां देशवासी भारत के लोग जो है 1947 के लोग से पहले ये क्या कर रहे हैं? ये क्रांति कर रहे हैं। और ये बेसिकली जो पिक्चर है ये 1942 का है, क्यूट इंडिया मूवमेंट का। ठीक है, क्यूट इंडिया मूवमेंट का, भारत छोड़ो आंदोलन का है। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रख लेंगे। इसे सिनोनिम्स क्या होता है? रिबेल, नेलिस्ट, रेडिकल, सिंडिकलिस्ट। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं न्यू वर्ड्स। एनार्की, एनार्की मीन्स क्या होता है? अफरा तफरी, अनकंट्रोल, मतलब कि आप कह सकते हैं कि लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल, मतलब जिस देश में कोई भी कंट्रोल पावर खत्म हो जाए गवर्नमेंट के थ्रू, अब उसे क्या बोलेंगे? एनार्की, कि यहां पर एनार्की हो चुका है। अभी के बात करो एग्जाम्पल का, तो वो है आपका इराक, जहां पे इस्लामिक स्टेट वालों ने कब्जा कर लिया है। और आप इस इमेज में देख सकते हैं किस तरह से लोगों को दिन दहाड़े मारा जा रहा है,
इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग बेचारे घर अपने छोड़ने को मजबूर हैं, क्या हैं, मजबूर हैं। तो एनार्की मीन्स क्या होता है, अफरा तफरी, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट का कोई अब वहां पे कंट्रोल नहीं रह गया है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर, इनडिसिप्लिन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, नॉन एनार्की। नेक्स्ट वर्ड है एनेथिमा। एनेथिमा क्या होता है, एक ऐसा कस्टम और ट्रेडिशन, बेसिकली ग्रीक में, ग्रीक के लिए था ये कि ग्रीक में जो लोग चर्च में ऐसा ट्रेडिशन था उसे नफरत करते हैं, लेकिन मैं इसे इंडियन कल्चर से जोड़कर बता रहा हूं कि इंडियन कल्चर में एक बहुत ही बुरी प्रथा है, बहुत ही बुरी कस्टम है, वह है सती प्रथा। आप इस इमेज में देख सकते हैं किस तरह से एक जो है जिंदा औरत को उसके पति के शव के ऊपर बैठा दिया गया है जलाने के लिए। ये इससे बड़ी कृत्य क्या हो सकती है, मतलब कि इससे घटिया काम क्या हो सकता है। तो ये क्या है, ये आप सभी हेट करते हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग समझदार हैं, दे हेट दिस काइंड ऑफ कस्टम्स, दे आर लाइक एनाथेनम, एनाथिमा, राइट। इसके सिनोनिम्स क्या है, कर्स, डिनंसिएशन, एवरेंस, एवोमिनेशन, लोथिंग, सेंसियोर। नेक्स्ट वर्ड है एनिसिलरी। एनिसिलरी क्या होता है, सबोर्डिनेट, मतलब क्या कह सकते हैं कि जब कोई बड़ा काम होता है जैसे ब्रिज बनना, पुल बनना, बड़ी फैक्ट्री में जो काम होता है, लेकिन उसके पीछे जो बहुत जो बेचारे जो लेबर क्लास के या फिर जो सहायक लोग होते हैं उसको बोलते हैं एनसेलरी। आप इस इमेज में देख सकते हैं ये लोग, आप इसको इस तरह से याद रखना, एनी सैलरी के लिए काम करने वाले को बोलते हैं एनसेलरी। बेचारे कोई वेज फिक्स नहीं होता, जितना दिया रख लिया, क्या करे, मजबूरी मजबूरी है। ठीक है, एनी सैलरी, ठीक है, सबोर्डिनेट, सहायक कर सकते हैं इसको आप। इसकी सिनोनिम्स क्या क्या होता है, ऑक्सिलरी, सब्सिडरी, सप्लीमेंट्री, एडजुवेटेंट, एडजुवेंट। एडजुवेंट मींस क्या होता है, इसका मतलब सबोर्डिनेट ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है एनेक्डोट। एनेक्डोट मींस क्या होता है, अब छोटी सी कहानी, मेनली फॉर व्हाट पर्पस, एम्यूजिंग करने के लिए, जोक, मतलब कुछ हंसाना, ठीक है, अच्छा लगाना। तो इस तरह से आप यहां पे देख सकते हैं, इसमें एक मैंने जोक और एक ऐसा एक एनेक्डोट मैंने यहां पे कोट कर रहा हूं यहां पे। क्या आप फेसबुक और व्हाट्सएप की मदद से पैसा कमाना चाहते हैं, अगर हाँ तो दोनों डिलीट कर दो और काम धंधे पे लग जाओ, पैसे अपने आप कमाने लगोगे। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, टेल, यार्न, स्केच, नरेटिव, नरेशन। नेक्स्ट वर्ड है एंगिस। एंगिस मींस क्या होता है, बहुत ज्यादा अनहैप्पीनेस, या तो फिजिकल की वजह से या मेंटल सफरिंग की वजह से। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये बच्ची किस तरह से अपने फादर के विलाप में रो रही है। अगर आपके हर अंग से आंसू बहता है तो ही है एंग्विस। आप समझ लेना कि ये एंग्विस यही है, बहुत ही ज्यादा अनहैप्पीनेस। ये सिनोनिम्स क्या है, एगोनी, पेन, टॉर्मेंट, टॉर्चर। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।